हाय फ्रेंड्स, आप यूट्यूब के टूजे डिजनी टिक चैनल पे और मैं वरुण कुमार। दोस्तों, आप सभी ने तो व्हाट्सएप का यूज जरूर कर रहे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप व्हाट्सएप के चैट के बैकग्राउंड वॉलपेपर को भी चेंज कर सकते हैं आप अपनी पसंद के वॉलपेपर के साथ हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप आपको एक वॉलपेपर पैक भी देती है, जिसमें बहुत सारे आपको वॉलपेपर्स मिल जाती है जो आप अपने व्हाट्सएप के वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मोबाइल पर जानते हैं कि व्हाट्सएप के वॉलपेपर को कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप में चले जाएं, उसके बाद थ्री डॉट्स में ओके करें, उसके बाद सेटिंग में चले जाएं और यहाँ पे आपको चैट की ऑप्शन मिलती है, आप इस पे ओके करें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वॉलपेपर्स का भी ऑप्शन है, तो आप इसको ओपन कर लें। और यहाँ पे आपको चार तरह की ऑप्शन मिल जाती है। एक तो पहली ऑप्शन गैलरी की, यानी आपके गैलरी में जो भी फ़ोटो है वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलती है सॉलिड कलर्स की, तो आप इस पे ओके करेंगे तो यहाँ पे किसी एक कलर सॉलिड कलर मिल जाएगी। जैसे कि आप ओके करते हैं तो इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं, आप इधर स्लाइड करके दूसरे कलर्स को भी देख सकते हैं किस तरह से दिखने वाली है। चलिए इसे कैंसिल कर देते हैं, बैक आ जाते हैं और उसके बाद दूसरी ऑप्शन का ट्राई करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉलपेपर लाइब्रेरी है, तो इसके बारे में कुछ देर बाद बताऊंगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट, यानी कि व्हाट्सएप ने जो डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है वो है। और यहाँ पे नो वॉलपेपर, यानी कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह की वॉलपेपर पर नहीं रहेगी। तो चलिए अब चलते हैं वॉलपेपर लाइब्रेरी में, तो आप इस पर ओके करेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपको एक वॉलपेपर पैक डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि व्हाट्सएप ने ही बनाया है। तो आप ओके कर लें और यह ऑटोमेटिक प्ले स्टोर ओपन करके व्हाट्सएप वॉलपेपर ऐप्स को ले आएगा, तो आप इसे इंस्टॉल कर ले। चलिए मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, यह 5 MB से भी कम का ऐप्स है, चलिए इसे इंस्टॉल होने देते हैं। तो आप देख सकते हैं यह इंस्टॉल हो चुके हैं और यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ गया है, आप इसे यहीं से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। और यहाँ से ओपन करने का ऑप्शन नहीं आया है, तो चलिए व्हाट्सएप में चलते हैं फिर से वॉलपेपर में। इस बार वॉलपेपर लाइब्रेरी में चलते हैं, तो इस बार डायरेक्ट आपको बहुत सारी वॉलपेपर मिल जाएगी। तो चलिए मैं किसी एक वॉलपेपर को यूज कर लेता हूँ इस अम्ब्रेला वाला पर, और इसको सेट करना चाहते हैं तो आप सेट पे ओके करें, वॉलपेपर सेट हो चुका है। अब बैक आते हैं, जो कि आप देख सकते हैं इसके बैकग्राउंड में इस तरह का आ चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के रोजाना वीडियो लेके आते रहता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।